हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराने का एक छोटा सा काम करते हैं। एंड लेट्स से कि हमने स्टूडेंट का कुछ डेटा स्टोर कराना चाहा है, तो हमने उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया है। लेट्स से मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैंने नेम ले लिया। लेट्स से 20 लेंथ का नेम है मेरा। फिर इसके बाद मैंने उसका रोल नंबर लेने के लिए RN ले लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। एंड देन उसका 12th में परसेंटेज के लिए मैंने एक PERC ले लिया, जो कि फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट का डेटा इनपुट कराना है यूजर से, एंड देन उसको डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का S वेरिएबल क्रिएट किया। आप चाहिए तो इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूजर से इनपुट करा लेते हैं। तो स्कैन एफ फंक्शन का हम यूज करते हैं और इसमें तीन वैल्यूज इनपुट कराते हैं। पहला है स्ट्रिंग, जिसमें कि नेम आएगा, दूसरा है रोल नंबर, इसलिए वो परसेंटाइल डी होगा, और तीसरा है परसेंटेज, इसलिए वो फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा। तो कैसे इनपुट कराएंगे? सबसे पहले बच्चे का नाम, तो एस डॉट नेम, एंड देन एस डॉट रोल नंबर, एंड देन एस डॉट परसेंटेज। अब चूंकि हम स्कैनअप का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें एम्परसेंट का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए हम यूजुअली एम्परसेंट का यूज नहीं करते हैं, और बाकी के लिए हम एम्परसेंट का यूज करते हैं। फिर इसके बाद इन्हीं डेटा वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट एफ को स्कैन एफ को प्रिंट एफ में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ स्पेसेस के साथ में इन वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं, एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर और एस डॉट परसेंटेज। रन करके देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, लेट्स से नेम है अखिलेश, और उसका रोल नंबर है लेट्स से 98203, एंड देन उसका परसेंटेज है 85.98। तो आप चेक कीजिए कि जो आपने डेटा इनपुट कराया था वही आपने आउटपुट करके देखा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि 85.98 को ये 98003 की तरह से ये प्रिंट कर रहा है। तो आप प्रेसिजन को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने भी प्रेसिजन का आपको चाहिए। तो अगर आपको डेसिमल के बाद दो डिजिट का प्रेसिजन चाहिए, तो आप इसको कह सकते हैं 0.2F। अब रन करके देखते हैं। तो नेम है अखिलेश और उसका रोल नंबर है 98203 और उसका परसेंटेज है 85.98। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद दो ही डिजिट का प्रेसिजन प्रिंट होता है। ओके, अब आपको मान लीजिए कि आपको एक स्टूडेंट नहीं बल्कि पांच स्टूडेंट का डेटा यूजर से इनपुट कराना है। तो अगर आपको पांच स्टूडेंट का डेटा इनपुट यूजर से इनपुट कराना है, तो उसके लिए आप या तो पांच वेरिएबल लीजिए, S1, S2, S3, S4, S5, और पांच स्कैनएफ और पांच प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखिए। तो ये बल्कि काम है, चूंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे ही होंगे, तो हम एक कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। तो पांच साइज का एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दीजिए आप, और इन्हीं पांच का इनपुट करा दीजिएगा। फाइन, तो पहला जो स्टूडेंट होगा उसको S0 से डिनोट करेंगे, दूसरे को S1 से, तीसरे को S2 से, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसको S4 से डिनोट करेंगे। तो हम यूजर से इनपुट कराते हैं इनके डेटा को, और एक लूप लगा देते हैं। लूप का काउंटर हमारा आई है, सो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, एंड आई प्लस प्लस, और उसके बाद फिर इनपुट करा लेते हैं डेटा यूजर से। डेटा को इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे SI यूज करेंगे S की जगह। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई की वैल्यू 0 इनिशियली है तो पहले स्टूडेंट का डेटा, आई की वैल्यू 1 है तो दूसरे स्टूडेंट का डेटा, 2 है तो तीसरे स्टूडेंट का डेटा, 3 है तो चौथे स्टूडेंट का डेटा, और 4 है तो पांचवे स्टूडेंट का डेटा। तो हमने इस तरह से इनपुट करा लिया, और इनपुट कराने के बाद इन्हीं वैल्यूज को हम डिस्प्ले करा लेंगे। फाइन, सो आई इज इक्वल टू 0 से 5 तक स्कैन एफ को हमें प्रिंट एफ बनाना है, और इन डेटा वैल्यूज को प्रिंट कराना है। डेटा अच्छे से प्रिंट हो, इसलिए आप प्रिंटिंग के बाद टैब्स लगा दीजिए, और जब एक स्टूडेंट का डेटा प्रिंट हो जाए तो उसके बाद स्लैश एन लगा दीजिएगा, जिससे कि न्यू लाइन में दूसरे स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो।
फाइन, एक मैसेज को हम प्रिंट कर देते हैं फॉर लूप में, जहां हमने इनपुट कराया है कि एंटर दी नेम, रोल नंबर एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट परसेंटाइल आई। तो यहां पे परसेंटाइल डी नॉट आई, आई प्लस वन हम प्रिंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जीरो है अगर आई की वैल्यू है तो स्टूडेंट वन का, आई की वैल्यू वन है तो स्टूडेंट टू का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। थोड़ी सी हमने गलती की है, उस गलती को सुधार लेते हैं कि हमने यहाँ पे एम परसेंट ही प्रिंट करा दिया। एम परसेंट को हम चेंज कर देते हैं, प्रिंट एफ में एम परसेंट नहीं होगा। रन करके देखते हैं, तो स्टूडेंट वन का नाम लेट से ए बी सी, उसका रोल नंबर लेट से 91 और उसका परसेंटेज 91.23। स्टूडेंट टू का नाम है बी सी डी और उसका रोल नंबर है लेट से 92, परसेंटेज इसका 88.11। स्टूडेंट थ्री सी डी ई 93 और 78.03। स्टूडेंट फोर लेट से 94, स्टूडेंट फोर का नाम डी ई एफ, रोल नंबर 94 और 94 एंड इसका परसेंटेज लेट से 98.22। स्टूडेंट फाइव का ई एफ जी, फिर रोल नंबर इसका 95 और 64.512 इसका परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने इनपुट कराया था वही वैल्यूज यहाँ डिस्प्ले हो गई। हाँ, प्रेसीजन की बात, आप उसको ऐसे ही सेट कर लीजिए 0.2 से, जिससे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो कंट्रोल हो सके। बाकी यहाँ पे प्रिंटिंग आपने सिंपली कर ली है। तो आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है और उससे कैसे हम इनपुट्स लेंगे और कैसे टेबुलर फॉर्म में हम आउटपुट जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक टेबल सी बनाई, तो इसी तरह से किसी भी टेबल को आप क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द स्ट्रक्चर। Thanks for watching this video. We will come with more concepts on the next turn.